30 अक्टूबर राहु मीन में और कन्या में है केतु। ये गोचर हो रहा है 30 अक्टूबर 2023 को। खुशियां आने वाली है, बहु प्रतीक्षित खुशियां आपके जीवन में आने वाली है। ये गोचर प्रभाव हर किसी को लाभान्वित करेगा, किसी को कम किसी को ज़्यादा, लेकिन लाभान्वित करेगा। और जो मेष में राहु चल रहा था उससे मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि राहु केतु अपनी अगली राशि में नहीं पिछली राशि में भ्रमण करते हैं, तो हमेशा वक्री होते हैं, 180 डिग्री पर रहते हैं। राहु केतु एक दूसरे से सप्तम भाव में रहते हैं, तो राहु केतु का ये परिवर्तन हो रहा है। राहु मीन में और केतु कन्या में आ रहे हैं। ये गोचर हो रहा है 30 अक्टूबर 2023 को। अच्छे दिन आ गए हैं समझो, खुशियां आ गई हैं समझो, पैसों की बहार आ गई है समझो, झमाझम बारिश होगी पैसों की। कुछ राशियों पे ज़्यादा, कुछ पे कम होगी, लेकिन होगी ज़रूर। वीडियो में बने रहिए अंत तक और पूरी राशिफल जानिए, 12 राशियों का राशिफल, 12 राशियों को क्या मिलेगा इस गोचर से हम आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप यूं ही प्रगति करते रहें, प्रगति पथ पर अग्रसर होते रहें, यह ब्लेसिंग्स देते हुए आज का वीडियो शुभारंभ करती हूँ। जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करें। नक्षत्र की बात करें तो राहु रेवती नक्षत्र में होंगे और चित्रा नक्षत्र में केतु रहेंगे, और राशि है मीन और केतु की है कन्या राशि। कन्या राशि में भ्रमण चालू हो जाएगा और 18 महीने तक ये विद्यमान रहेगा। ये गोचर लंबा चौड़ा समय होता है राहु केतु जब राशि परिवर्तन करते हैं। अगर प्रतिकूल हो तो अनायासी धन लाभ के बजाय हानि होने लगती है, और अनुकूल हो तो धन लाभ चारों तरफ से होने लगता है। विशेष रूप से जो राहु का गोचर होता है, जो चंद्र राशि होती है, उससे तीसरा, छठा और ग्यारहवां शुभ होता है। राहु की बात करें तो राहु नीले रंग का कुरूप, विद्वान लेकिन पापी, झूठ बोलने वाला, कपटी, सदैव दूसरों की बुराई करने में माहिर होता है। महर्षि पाराशर ने अपने ग्रंथ बृहद पाराशर होरा शास्त्र में बताया है कि राहु धुएं के सदृश होता है, नीले रंग का इसका शरीर होता है, जंगल में रहने वाला और भयंकर वायु प्रकृति वाला होता है, लेकिन इंटेलिजेंट होता है, बुद्धिमान होता है। राहु को हिरण्यकश्यप की पुत्री सिंहिका का पुत्र माना गया है। जन्म राशि में अगर राहु हो, आप अपनी जन्म राशि देख लेना, आपकी कौन सी राशि है इसके हिसाब से ये फलादेश होंगे। आपकी जो भी चंद्र राशि है उससे आप देखना, या बोलता नाम वाली राशि भी देख सकते हैं। जन्म राशि से अगर आपके राहु है तो रोग, कष्ट और ऋण में वृद्धि होती है। दूसरे स्थान में हो जन्म राशि से तो फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं। थर्ड हाउस में अगर राहु होता है चंद्र राशि से तो आपको आर्थिक लाभ होता है, आपका पराक्रम बढ़ता है। चतुर्थ स्थान में जो राहु होता है, राहु का गोचर अशुभ माना गया है, शत्रु में वृद्धि करता है। पंचम स्थान में राहु हो तो किसी काम में मन नहीं लगता है। छठे स्थान में राहु का गोचर शुभ माना गया है, बहुत सारा पैसा आता है, लाखों की संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति या अरबों की संपत्ति आपको प्राप्त होती है। हर तरफ से सुख मिलता है और सुखों में इतनी वृद्धि होती है कि पूरा परिवार मौज करता है। सप्तम स्थान में पारिवारिक कलह कराता है राहु, और अष्टम स्थान में दुर्घटना का भय होता है। नवम स्थान में अधर्मी हो जाता है मनुष्य। दशम स्थान में कार्य क्षेत्र में नुकसान होता है, और एकादश स्थान में आर्थिक लाभ होता है। सभी तरह से सुख मिलते हैं, सब काम टाइम पे बनने लगते हैं। द्वादश स्थान में चंद्र राशि से राहु हो तो हर तरह से व्यय होता है, दुर्घटना का व्यय होता है, मतलब दुर्घटना का भय होता है। आप केतु के राशि वाइज फल जान लेते हैं। जन्म राशि से अगर केतु होता है तो रोग और ऋण में वृद्धि होती है। दूसरे स्थान में राहु धन हानि करता है, शत्रुता बढ़ती है। तीसरे स्थान में हो तो बहुत सारा पैसा आता है, कहीं से भी आपको संपत्ति का लाभ होता है, जमीन जायदाद मिल्कियत आपको मिलते हैं, जेवर आपको मिलते हैं,
व्हीकल आपके घर में आते हैं, पराक्रम बढ़ता है और सब तरफ से आपको दुनिया में सम्मान मिलने लगता है। चतुर्थ स्थान में भय देता है, सुख का नाश करता है। पांचवें स्थान में कोई कष्ट लाता है आपके जीवन में। छठे स्थान में हो तो बहुत शुभ होता है, सब तरह के भोग विलास आपको मिलते हैं, पैसा ही पैसा आपके जीवन में बिना बहाने के ही आने लगता है। सप्तम स्थान में हो तो जीवन साथी को कष्ट होता है। अष्टम स्थान में हो तो दुर्घटना का भय होता है। नवम स्थान में हो तो पाप वृद्धि होती है, हर तरह से विरोध होना चालू हो जाता है। दशम स्थान में हो तो शत्रु विरोध करने लगते हैं। एकादश स्थान में हो तो आपको सब तरफ से मान सम्मान यश कीर्ति मिलने लगता है, आर्थिक लाभ आपको होने लगता है, सब तरफ से आपके काम बनने लगते हैं, सुखों में वृद्धि होने लगती है, ये बहुत शुभ होता है। द्वादश स्थान में हो तो शत्रुओं में वृद्धि होती है, दुर्घटना का भय होता है। तो आप अपनी राशि वाइज देख लीजिए कि आपकी कौन सी राशि है और कहाँ से गोचर कर रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि आपके लिए शुभ है या अशुभ और आपके पास कितना पैसा आएगा। और सावधानी रखनी है, इस अवधि में आपको कोई भी रत्न नहीं पहनना है राहु केतु से संबंधित। राहु केतु साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य दिशा के आधिपत्य में हैं, तो राहु केतु की शांति के लिए आप घर के कोनों को स्वच्छ रखिए और घर के कोनों में चारों कोनों में चार अगरबत्ती लगा दीजिए। इसका मतलब ये है कि कोने केतु का प्रतीक है और चार अगरबत्ती, चार की संख्या राहु का प्रतीक है, तो चार अगरबत्तियाँ आप चारों कोनों में लगाएंगे तो राहु केतु की शांति होगी और आपको सब तरफ से लाभ मिलेगा। राहु केतु की शांति के लिए आपको कुछ दान करना चाहिए। नीले कपड़े में साबुत उड़द बांध के दान करने चाहिए, 4 रुपये रखें उसके अंदर, आपको लाभ होगा। 4 रुपये अवेलेबल नहीं हो तो आप 40 रुपये भी रख सकते हैं, 10-10 के कॉइन ले सकते हैं, इससे आपको लाभ होगा। केतु की शांति के लिए आपको डॉग्स की सेवा करनी चाहिए और राहु की शांति के लिए आपको भैरव मंदिर में शराब चढ़ानी चाहिए, इससे राहु केतु की शांति होती है। रविवार को कुत्ते को इमरती खिलाएं, इससे भी आपको लाभ होता है। तो आई होप आज की वीडियो आपको